आशा वर्कर्स की महिला कामगारों की मांग कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने वादों को जल्द से जल्द पूरा करे। आशा वर्कर्स के महिला कामगारों को 73 प्रकार के काम करने पड़ते हैं, जिनमें लसीकरण करना, सर्वे करना इत्यादि शामिल है। घर घर जाकर यह महिला कामगार अपने काम को अंजाम देते हैं। दौड़ भाग के बाद भी उन्हें मिलता है सिर्फ 2500। मासिक वेतन या उत्पन्न बहुत कम होने के कारण बार बार शासन को कई प्रकार के आंदोलन द्वारा आग्रह किया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा हर बार सिर्फ आश्वासन दिया गया, लेकिन इसको कभी पूरा नहीं किया गया को लेकर आज आशा वर्कर्स व गट प्रवक्त महाराष्ट्र राज्य कृति समिति द्वारा शासन को अपने आश्वासनों को पूरा करने की मांग करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिला कामगार शामिल हुए। इनकी मांग है कि प्रशासन ने इनके आश्वासनों को अमल में लाना चाहिए। यदि इनकी ओर ध्यान न दिया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसके परिणाम महाराष्ट्र शासन को भुगतना पड़ सकता है। पूरे महाराष्ट्र में हम आशा वर्कर्स और गट प्रवर्तक ग्रुप करने और अलग अलग प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं। जो हमारा मानदेय है वो सरकार बढ़ोतरी नहीं कर रहा है। गट प्रवर्तक और आशा ये किलो पावर की लाइन है, इनको जो मानदेय मिलता है वो बहुत ही कम है।